महा सती सीता चरित्र आधारित पुस्तक तमाच, लेखन वर्धमान तपोनिधि आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरीश्वरजी महाराजा। अनंत ज्ञानी भगवंतो अज्ञानी नहीं थे कि उन्होंने बिना सोचे ही सर्व त्याग का उपदेश दे दिया और सनत कुमार चक्रवर्ती, मेघ कुमार, गजस कुमार, मेतारज मुनि वगैरह महासमृद्ध महापुरुषों भी अज्ञानी नहीं थे कि उन्होंने ऐसे ही बिना सोचे सर्व त्याग का जीवन अपना लिया। तब जहां त्याग मार्ग के उपदेशक सर्वज्ञ भगवंत हो और त्याग मार्ग के आराधक बड़े चक्रवर्ती हो, वहां जीवन में त्याग मार्ग की आराधना ही सर्वस्व है। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसी दृष्टि बन गई तो फिर निश्चित रूप से जीवन की महानता त्याग और सिर्फ त्याग में ही दिखेगी और भोगों में सिर्फ बर्बादी ही नजर आएगी। जब ऐसी दृष्टि बन गई कि जीवन का सर्वस्व त्याग में ही है, तब यदि कोई महासमृद्धि को छोड़कर सर्व त्याग के मार्ग पर अचानक आरूढ़ हो जाए तो भी आश्चर्य कभी नहीं होगा। वैसे भी आश्चर्य हो तो इस बात पर होना चाहिए कि इतनी महान विभूतियों ने महात्याग सर्व त्याग के मार्ग को अपना लिया है। तो मैं क्यों आज तक और आज भी इन सर्वसाधारण भोगों के पीछे पड़ा हूं एक भिखारी की भांति। आज उल्टी गंगा बह रही है, सब उल्टे हिसाब में लगे हैं। जिस वैभव विलास में सरासर बर्बादी ही छुपी है, वहां आबादी दिखती है। इसी कारण तो जब त्याग की बात आती है तो हमें आश्चर्य होता है। स्वयं की मूर्खता मूढ़ता नहीं देख पाते कि मैं कितना मूर्ख, मूढ़, गंवार, बुद्धिहीन और उल्टी अकल वाला। बुद्धिमता तो इन खोखले वैभव विलास और विषय कषायों के त्याग में ही है। करी सके ना कोई तारा गुणों ना सरवाला, युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अचवाड़ा।